अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं असद और आपको हिडन वर्ल्ड में खुश आमदीद। तो स्विमिंग पूल ऐसी जगह है जहां किसको जाना पसंद नहीं, लेकिन दुनिया में ऐसे ऐसे स्विमिंग पूल्स हैं जिन्हें आपने कभी नहीं देखा होगा। आज की आप इस वीडियो को देखकर कहोगे कि भाई आपने आज क्या दिखा दिया, ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन इससे पहले, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। नंबर 1, वाइन पूल। क्या ये पूल वाइन से बना हुआ है? दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे, तो इसका जवाब है जी हाँ, ये पूल वाइन से ही बना हुआ है। ये पूल जापान में मौजूद है। ये वाकई में एक अजीबोगरीब इन्वेंशन है। ये पूल लोगों को अपने रिजॉर्ट में आकर एंजॉय करने के लिए बनाया गया। एक एक सिप लेके वाइन पीने की बजाय अगर वाइन के पूल में ही डूबने का मौका मिल जाए तो इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा। यहाँ पर रेड वाइन, कॉफ़ी और ग्रीन टी पूल बना हुआ है जिसमें आप आराम से मज़ा कर सकते हैं। लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इन पूलों में इंजॉय करते हैं। क्या आप भी यहाँ पर जाना पसंद करोगे? कमेंट में लाजमी बताइएगा। नंबर 2, 360 डिग्री इन्फिनिटी पूल। ये कैंपस कंपनी का प्रोजेक्ट है जो 2020 तक पूरा हो जाएगा, यानी इसी साल के एंड तक पूरा हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट एक पूल का है जो लंदन की एक सबसे ऊंची इमारत के टेरेस पर बनने वाला है। इस पूल का पानी 6 लाख लीटर होगा। पूल में जाने के लिए पानी के नीचे सबमरीन डोर बनाया गया है। दोस्तों, पूल की दीवारें एक्रेलिक की हैं जिसके निचले हिस्से में रोशनी का इंतज़ाम भी किया गया है जो कि रात में भी हमें काफ़ी अच्छा मंजर दिखाती है। रात में सितारे और चाँद का रिफ्लेक्शन पानी में ऐसा दिखता है कि आप तो हैरान होकर देखते ही रह जाओगे। नंबर 3, सी वाटर लगोन। ये दुनिया का सबसे बड़ा पूल है। अगर आप इस पूल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैर कर जाएंगे तो आपको दोस्तों मेडल तो लाजमी से मिलने वाला है। ये पूल फ्रांस में मौजूद है। फ्रांस में मौजूद इस पूल की लंबाई ओलंपिक के तकरीबन 26 पूल्स की लंबाई से भी ज़्यादा है। इसमें 66 मिलियन गैलन लीटर का पानी है। इसे 2015 में बनाया गया। ये पूल फ्रांस के एक क्रिस्टल लगोन कॉरपोरेशन। इस पूल की लंबाई 3324 फीट होने की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह हासिल की है। इस टोटल रकबा 19.77 एकड़ है। इस रिजॉर्ट की तमीर में 5 साल से ज़्यादा का अरसा लगा और लगभग $1.9 मिलियन की लागत इसको बनाने में लग गई और इसकी देखभाल के लिए हर साल $4 मिलियन लग जाती है। जो कि दोस्तों, आपको इन सभी पुलों में से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा पुल लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप किस पूल के अंदर जाना चाहोगे ये भी बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।